जय हिंद लव यू। आज के लिए आपका प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। जी हाँ, HAL, जिसे हॉल भी आपने सुना होगा। तो आज के लिए जो हमारा प्रश्न है कि हॉल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, इसे जाना जाता था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। जी हाँ, बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को, जब इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1941 में सरकार ने कंपनी की एक तिहाई, मतलब 1/3, तो एक तिहाई हिस्सेदारी खरीद ली थी। तो किसने खरीद ली थी? सरकार ने। और कितनी खरीदी थी? तो 1/3 यानी कि 1/3 या एक तिहाई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ला दिया गया था। तो ये डेट्स याद रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में। उस समय इसका नाम क्या था? तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1941 में सरकार ने कंपनी की एक तिहाई हिस्सेदारी खरीदी थी। और जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ गया था। इसके बाद अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एक नवगठित एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया, मतलब कि मर्ज कर दिया गया था। तब हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और जो नया था एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों को मिलाकर एक नया संस्थान बना और जिसे आज हम जानते हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से। अब यदि मैं बात करूं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्वामित्व के बारे में, तो ये एक राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। जी हाँ, ये देखिए, ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा बेंगलुरु, और यहीं पर है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर। अब आपको ये समझना होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो देश के लिए सैन्य हेलीकॉप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है। ये देखिए, ये है कुछ एयरक्राफ्ट फ्यूचर प्रोडक्ट्स जो कि हेलीकॉप्टर के हैं, पावर प्लांट, और जो एयरोस्पेस या एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर HAL यानी कि हॉल के द्वारा या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाती हैं। इन सब के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एयरोस्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, डोर्नियर 228, स्पेयर्स एंड सर्विसेज, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और इनमें से कुछ प्रमुख हैं हेलीकॉप्टर्स में, जैसे कि ध्रुव जो कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, चेतक, चीता, लैंसर, ये सभी आपने कभी न कभी पेपर में सुने होंगे और ये आप सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो होपफुली ये डेटा आपको यहाँ समझ में आया होगा, सब यहाँ पर फैक्ट है। तो प्लीज़ इन फैक्ट्स को कहीं नोट करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।